हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने केचुए के परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम केचुए के उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो देखें, जो केचुआ है ये यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक का मतलब क्या हुआ कि जो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो है अमोनिया, इस अमोनिया को चेंज कर देते हैं किसमें, यूरिया में, फिर शरीर से बाहर निकालते हैं, उनका त्याग करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। हम भी यूरियोटेलिक है। हम क्या करते हैं, जो शरीर में हर कोशिका है उसमें अमोनिया बनती है, इस अमोनिया को लीवर अपना जो है ये चेंज कर देता है यूरिया में, फिर उस यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है मूत्र के साथ में। ठीक है, तो ये कहलाते हैं यूरियोटेलिक। कुछ होते हैं यूरिकोटेलिक, जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिक अम्ल में चेंज करते हैं, और कुछ होते हैं अमोनोटेलिक, जो अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही उत्सर्जित करते हैं। तो जो केचुआ है ये कैसा है, ये यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, अब जो इनमें उत्सर्जन के लिए अंग पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर किडनी है, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रोन, तो वैसे ही इनके अंदर पाया जाता है वृक्क या नेफ्रिडिया। अब से मैं इसको नेफ्रिडिया ही वर्ड बोलूंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। तो नेफ्रिडिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, नलिकाकार संरचनाएं, जैसे ये रही जो नलिकाकार संरचनाएं है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या करती है, जो रक्त होता है उसे अमोनिया को अलग करती है और उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रिडिया है इनमें तीन टाइप के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। पहला नेफ्रिडिया है वो है ग्रसनीय वृक्क, ग्रस फेरेंजियल नेफ्रिडिया, दूसरा है पट्टीय नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया, और तीसरा इसके अंदर है वो है अध्यावरणी, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। अब देखें, अब इनके बारे में डिटेल डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रसनी, नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रसनी के चारों ओर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से खंडों में पाया जाता है, ये पाया जाता है चौथे, पांचवें और छठे खंड के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में कि चौथे, पांचवें और छठे खंड में जो रक्त ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, तो ये उनके पास में ही पाए जा रहे हैं। चौथे, पांचवें और छठे खंड में ये पाए जाते हैं, और इनका एक गुच्छा होता है जिनके अंदर लगभग 100 नेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं। एक गुच्छे के अंदर 100 नेफ्रिडिया, तो एक गुच्छा इस साइड में होता है, एक गुच्छा इस साइड में होता है, तो हम बोलते हैं पेयर होता है इनका, जोड़ा भी होता है। ठीक है, इनमें नेफ्रोस्टोम है ये नहीं पाए जाते, नेफ्रोस्टोम इनमें अनुपस्थित होते हैं, तो ये सिंपल प्रकार के नेफ्रिडिया है। ठीक है, अब ये नेफ्रोस्टोम क्या होता है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब ये काम क्या करते हैं, ये रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट है हमारे पास, अमोनिया, उनको सेपरेट करते हैं और उनको डाल देते हैं कहाँ पर, इस ग्रसनी के अंदर डाल देते हैं, फेरिक्स में डाल देते हैं, जिसको फिर ये शरीर से बाहर त्याग देगा मल के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है अध्यावरणी वृक्क, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, अध्यावरण किसे कहा जाता है, त्वचा के लिए शब्द काम में लिया जाता है अधिकतर। ठीक है, तो इनके त्वचा के ऊपर इस तरह पाए जाते हैं नेफ्रिडिया, जिनका नाम क्या है, अध्यावरणी नेफ्रिडिया। ठीक है, अब ये अध्यावरणी नेफ्रिडिया है ये पहले, दूसरे और तीसरे जो खंड है इनमें नहीं पाए जाते, एक से लेकर तीन खंडों में ये अनुपस्थित है, और उसके बाद के सभी खंडों के अंदर जितने भी सेगमेंट्स है इसके, उनके अंदर ये प्रेजेंट होगा, हर एक सब खंडों के अंदर ये पाया जाएगा। हर खंड में इनकी संख्या कितनी होगी, लगभग 200 से 250 होती है हर खंड में इनकी संख्या, जो मैंने डॉट डॉट से दिखाए हुए हैं, ब्लैक सॉरी ब्लू कलर के डॉट से। ये सब क्या है, ये अध्यावरणीय वृक्क है, ठीक है, यानी ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है, और ये प्रत्येक खंड के अंदर पाए जाएंगे। इसकी विशेषता एक और है, अगर हम आ जाते हैं कि इनमें 14वें, 15वें और 16वें खंडों के आसपास, तो आपको पता है इनको कहा जाता है क्लाइटेलम, क्लाइटेलम, तो इन खंडों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली इनमें 14वें और 15वें में इनकी संख्या ज्यादा होती है, और कितनी होती है, लगभग 2000 के लगभग, कई किताबों में मिल जाता है 2000 से 2500 इनकी संख्या होती है, आप कह दें लगभग 2000 के। तो इनको क्या कहेंगे, यहाँ पर नाम दे देते, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, ये वाला जो पार्ट इतना दिखाया हुआ है, ठीक है, अध्यावरणीय वृक्कों का वन है, तो ये कौन से एरिया के अंदर है, 14वें और 15वें खंड के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अध्यावरणीय वृक्क। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेप्टल पट्टीय। अब देखो पट्टीय कहाँ है, ये स्टार्ट का जो पार्ट है इनमें कहीं पर पट्टीय नहीं है, पट्टीय शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, 15वें और 16वें खंड के जो अंतरखंड पार्ट होता है, पट होता है, सेप्टम पट, देखो होता है ना कि जो सेपरेट करता है दो अलग अलग पार्ट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई पार्ट इस तरह कोई संरचना बनाई और उसको सेपरेट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये पट कहलाएगा। तो ये जो पट होता है अंतरखंडीय पट, वहां पर पाया जाता है सेप्टम, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में सेप्टम या पट, तो ये सेप्टम या पट है वहां पर ये पाया जाता है। जैसे ये दोनों का ये पट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये इनका पट हो गया, तो इस वजह से इनका नाम क्या होता है, पट्टीय वृक्क हो गया, वृक्क हो गया, यानी सेप्टल नेफ्रिडिया इनका नाम हो गया। और ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, 15वें से, 15वें से 16वें से, फिर ऐसे करते हुए लास्ट तक अंतिम खंड तक ये पाया जाता है। संख्या कितनी होती है, लगभग 80 से 100 नेफ्रिडिया है हर खंड के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, ये
रक्त है वहां से अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं और उनको इस अंतर में छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पार्ट था कौन सा, अध्यावरणी वृक, ये क्या करता है, रक्त से निकालता है लेकिन उसको डायरेक्ट शरीर से बाहर निष्कासित करता है। नाम से पता चल रहा है ना, त्वचा पर इसके छिद्र खुलते हैं, तो ये त्वचा के बाहर क्या करेंगे, जैसे अपने पसीना निकलता है तो वैसे ही ये क्या करेगा, इनके जो छिद्र होते हैं इस नेफ्रीडिया के, वो त्वचा में पाए जाएंगे और त्वचा के द्वारा वो उनको अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा। तो देखो, बाहर के लिए हम शब्द क्या काम में लेते हैं, एक्सो, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रीडिया है उसको बोल देते हैं एक्सोनेफ्रिक। तो ये किस टाइप का हो गया, ये अध्यावरणी वाला एक्सोनेफ्रिक। लेकिन ये देखो क्या कर रहा है, ग्रसनी के अंदर डाल रहा है, ये शरीर के बाहर निष्कासित नहीं कर रहा, तो शरीर के अंदर ही डाल रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एंडोनेफ्रिक, एंडोनेफ्रिक। और ये भी क्या करता है, देखो अंतर में ही डाल रहा है, शरीर के अंदर ही ये अंतर स्थल है, तो ये अंतर में डाल रहा है, तब इसको भी क्या बोल देंगे हम, एंडोनेफ्रिक, ठीक है। एक विशेषता इसकी और है, इसकी पट्टी की, कि इनके अंदर नेफ्रोस्टोम पाए जाते हैं, नेफ्रोस्टोम ये इनमें उपस्थित होते हैं, इनमें अनुपस्थित थे और इनमें भी अनुपस्थित थे, लेकिन पट्टी वाले में ये पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं कि ये नेफ्रिडिया है, ये क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो नेफ्रिडिया में क्या होता है, एक ट्यूबुलर संरचना होती है, यानी नलिकीय संरचना होती है, जिसमें एक कीपक पाया जाता है, कीप नुमा संरचना, फेनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसमें उपस्थित होता है क्या, नेफ्रोस्टोम। जैसे अपनी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं वैसे लगभग इनकी संरचना होती है। कुंडली क्या करेगी, ये जो है मूत्र के निर्माण के लिए इसमें काम किया जाएगा निस्यंदन का, श्रावण का और पुनरावशोषण का। पहले हम पुनरावशोषण नाम लिखेंगे, उसके बाद में श्रावण होता है, पुनरावशोषण का और श्रावण, ठीक है। ये होता है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। तो क्या इनका तीन काम है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले फिल्टर करेगी, इनके जो रक्त होता है हीमोलिम्फ कहा जाता है इनका रक्त, उनको ये फिल्टर करेगी, फिल्टर करके क्या करेगी, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको सेपरेट कर देती है। फिर सेपरेट हो जाएगा तो उसमें जो काम की चीजें हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, लवण है, उनको पुनरावशोषित करते हैं, और जिन और कुछ अपशिष्ट पदार्थ शरीर में होते हैं उनको डायरेक्ट क्या किया जाता है, श्राव किया जाता है इन नलिकाओं के अंदर ही। तो तीन कार्य ये किया जाता है। मेन काम इसका क्या होता है, इन वृक्क का, नेफ्रिडिया का, ये शरीर द्रव होता है जो बॉडी फ्लूइड है उनका आयतन और संगठन का नियमन करते हैं।